पिछले 2 लाख से 13,000 साल के बीच इंसान की कई प्रजातियां धरती पर निवास किया करती थीं। वहीं अगर पिछले कुछ 100 सालों की बात की जाए तो धरती पर इंसान की कम से कम 6 प्रजातियां थीं, और अगर आज की बात की जाए तो अब धरती पर सिर्फ होमो सेपियंस प्रजाति ही बची है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि में नया मोड़ कब आया और इस हिसाब से अभी हमारा भविष्य कैसा दिखता है। ईस्ट अफ्रीका में लगभग 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस नाम की प्रजाति इवॉल्व हुई थी, जिसने धीरे धीरे अपने कजिन्स होमो फ्लोरेसियंस के साथ कम्पीट करना शुरू किया, और करीब 13,000 साल पहले हमारे कजिन्स एक्सटिंक्ट हो गए। पिछले 2 लाख सालों में हमारी आबादी सिर्फ 1 से 7.5 अरब पहुंच चुकी है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ी कैसे? इसके लिए 3 रेवोल्यूशन जिम्मेदार हैं। पहली है करीब 70,000 साल पहले होने वाली कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, दूसरी है 12,000 साल पहले होने वाली एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, और तीसरी है 500 साल पहले वाली साइंटिफिक रेवोल्यूशन। होमो सेपियंस यानी हमारी पॉपुलेशन करीब 70,000 साल पहले बढ़नी शुरू हुई थी। दूसरी सभी स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने के साथ हमारे पूर्वजों ने धरती के हर हिस्से पर विजय हासिल की और साथ ही ऐसी चीजें बनाने पर काम शुरू किया जो आज भी मिसाल हैं। आज से करीब 12,000 साल पहले कृषि के उद्भव के समय धरती पर लगभग 50 लाख इंसान मौजूद थे। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले अपने जीवन यापन के लिए पेड़ पौधों और जानवरों की फार्मिंग शुरू की। बस यही हमारी लाइफस्टाइल का टर्निंग पॉइंट था। लोगों ने अपने खेतों के पास स्थायी घर बनाने शुरू किए और अनुकूल माहौल मिलने से ह्यूमन पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़नी शुरू हुई। क्या आप मानेंगे कि 2 लाख सालों में हमारी जनसंख्या सिर्फ 50 लाख पहुंची? इसके बाद मात्र 10,000 सालों में हम बढ़कर 1 अरब हो गए। आज से करीब 200 साल पहले हमारी जनसंख्या सिर्फ 1 अरब थी, जबकि साइंस रेवोल्यूशन के बाद आज हम 7.5 अरब पार कर चुके हैं। न सिर्फ इतना ही, हमारी जनसंख्या आज भी 8 करोड़ हर साल बढ़ रही है, यानी हम जर्मनी जैसा देश हर साल तैयार कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले कुछ 100 सालों में ये जनसंख्या विस्फोट कैसे हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, इसके लिए सबसे पहले तो 1700 में होने वाली एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और फिर 1800 में होने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिम्मेदार है। स्टीम इंजन के इन्वेंशन से फूड प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा हुआ और अच्छे वेतन के लोगों के हेल्थ केयर और लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार आया, और यहीं से शुरू हुआ जनसंख्या विस्फोट। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो पर्याप्त भोजन और शुद्ध पानी की उपलब्धता से बीमारियों में कमी आई। न सिर्फ इतना ही, अच्छी मेडिकल केयर से डेथ रेट में और भी सुधार हुआ, और कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती गई। और उम्मीद है कि साल 2100 तक हम 11 करोड़ पार कर जाएंगे या कम भी बढ़ सकते हैं। अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर इसी रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो ये एक दिन नेचुरल रिसोर्स बायोम्स और वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगी। आने वाले 30 सालों में वैश्विक जनसंख्या 10 अरब के पार होने का अनुमान है, और इसके लिए समुचित मात्रा में भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई और मेडिकल केयर जरूरी है। अगर जनसंख्या वृद्धि का ये अनुमान गलत होता है और वैश्विक जनसंख्या कम होती है, तो उसके लिए भोजन और पानी की समस्या या फिर आवास का न होना या फिर जीवनदायिनी मेडिकल फैसिलिटीज का लोगों की पहुंच से दूर होना जैसी समस्याएं जिम्मेदार होंगी, या फिर एंटीबायोटिक्स के हमारे गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से आने वाले समय में वैश्विक महामारी, या फिर बढ़ती इंसानी गतिविधियों की वजह से भयानक सूखा या बाढ़, फिर इनकी वजह से होने वाली बीमारियां भी वैश्विक जनसंख्या पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। ये ज्यादा भयावह है ना? उम्मीद है कि हम आप 2050 में देखेंगे तो किसी तरह के डर की वजह से जॉम्बी मूवी की तरह भोजन या दवाइयों के एकत्रीकरण से पहले ये याद रखिएगा कि अभी एक्सपर्ट्स को ये आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। हमें बस इतना पता है कि आने वाले दशकों में वैश्विक जनसंख्या में भारी बदलाव आएगा। अगर आपको जानना है कि इंसान पृथ्वी को किस तरह प्रभावित कर रहा है और हम किस तरह सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। वहीं जनसंख्या बढ़ने पर हम भोजन की समुचित उपलब्धता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो देखना चाहिए। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।